हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और अभी हम हैं नोएडा के सेक्टर 121 में। और राइट में जो आपको दिख रहा है ये है क्लियो काउंटी अपार्टमेंट्स और हम यहाँ से जा रहे हैं परथाला चौक पर, जो कि रिसेंटली में स्टार्ट होने वाला है। लगभग 90-95% कम्प्लीट हो चुका है, उसका भी स्टेटस देखेंगे। और ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे घर की कीमत लगभग 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है। क्लियो काउंटी बेसिकली ये इजिप्टियन आर्किटेक्चर पे यहाँ का पूरा डिज़ाइन है। क्लियोपाट्रा जो इजिप्टियन रानी थी उसके नाम पे रखा गया था। आप देख सकते हैं बाहर का भी डिज़ाइन काफ़ी हद तक आपको दिखेगा इजिप्टियन स्टाइल में। ये जो जगह है ये काफ़ी नज़दीक है मेट्रो के भी। यहाँ पे सेक्टर 61 का जो मेट्रो स्टेशन है हार्डली 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर ही है। लेफ्ट में आप चले जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा आ जाएगा परथाला चौक की तरफ। राइट में अगर आप चले जाएंगे तो सेक्टर 51 आ जाएगा। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये यहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट है, क्लियो काउंटी का ही अपना ये एक तरीके से मॉल कह सकते हैं या स्ट्रीट कहते हैं इसे, क्लियो स्ट्रीट। ये सामने जो रोड आ गई है हम यहाँ से लेफ्ट होंगे, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा रोड है जो कि सेक्टर 51 नोएडा से ग्रेटर नोएडा गौर चौक तक जाती है। बीच में यहाँ पर आता है परथाला चौक। परथाला चौक अभी बहुत पॉपुलर स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर बनाया जा रहा है नोएडा का पहला फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज। सामने अगर आप देखें तो आपको दिखेगा भी। और ये जो जगह थी ये काफ़ी ज़्यादा एक बोटल नेक थी, यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता था, चाहे वो नोएडा की तरफ से जो ट्रैफिक आता था या गाजियाबाद से आता था या फिर फरीदाबाद की तरफ से आता था। ये जो रोड है इसको भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन बनाया गया है और ये यहाँ से ग्रेटर नोएडा पूरा, जब हम आगे का भी सफ़र लेंगे अगली वीडियोज़ में तो दिखाएंगे आपको कि कितनी ग्रीन है। एंड सामने देखिए तो ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है, रोड को ब्लॉक किया हुआ है पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो रोड पर जाने के लिए लगभग तैयारी हो चुकी है, 95% हो चुका है काम। जब तक ये फ्लाईओवर अभी ओपन नहीं होता है तब तक के लिए डाइवर्जन किया गया है। ये रोड जो है 121 के अंदर से जाती है, ये अभी टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है कि पीछे से फिर से परथाला चौक पे ही रोड जाएगी और वहां से मैं जो सिग्नेचर टावर है और परथाला जो चौक है उसका पूरा एक तरीके से बेहतर व्यू नजर आएगा। ये राइट में जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये होम्स 121 है, इसके जस्ट अपोजिट में परथाला चौक है। अभी हम यहाँ से राउंड मार के परथाला चौक पे जाएंगे और वहाँ से जो हमें व्यू आएगा परथाला चौक का और जो सिग्नेचर जो फर्स्ट टावर है यहाँ का वो यहाँ से ही आएगा। तो सामने आप देख रहे हैं नोएडा का पहला सिग्नेचर टावर जिसके अंदर लगभग 29 सस्पेंशंस लगाए गए हैं। और ये जो है जगह है, पहले यहाँ पे 40 मिनट्स का ट्रैफिक जैम रहा करता था लेकिन इस परथाला चौक के बाद से यहाँ पर आपको कोई भी जैम नहीं मिलेगा। और ये जो रोड है जिस पे अभी हम आए हैं ये वैसे आती है गाजियाबाद से। देखने में बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है ये और जब ये बन जाएगा तो डेफिनेटली ये जो नोएडा की स्काईलाइन है इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। एंड यहाँ से इस परथाला चौक से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हम ग्रेटर नोएडा के अंदर एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट काम हो रखा है, इनको सिर्फ यहाँ पर कालतोर बिछाना है। तो यकीनन ये जो पूरा जो फ्लाईओवर है ये लगभग 10 से 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। Thank you.
परथाला चौक को पार करने के बाद हम आ जाते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। आप देखें राइट में तो इनके डिवाइडर जो ग्रेटर नोएडा के हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ग्रीन हैं, और आने वाली कुछ वीडियो में हम ग्रेटर नोएडा का भी आपको वीडियो दिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा बहुत ही स्मार्ट सिटी है इंडिया की और काफ़ी ज़्यादा ओपन और वाइड है। आप देखें स्टार्टिंग से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा एक ओपन एक व्यू दिखने लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।